अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। एक हफ्ता तकरीबन गुजर जाने के बाद भी मुल्क में जो हू का आलम है वो थम कर नहीं दे रहा, बल्कि मजीद इजाफा होता जा रहा है हर गुजरते रोज के साथ। अब इसमें मजीद इजाफा ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और उनके खिलाफ जितनी चीजें हुई वो हमारे सामने हैं। अभी खास तौर पर फौजी तनसीबात वाले मामले पर के हमलों के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को हॉट वाटर्स में देखती है। इवन जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज हुई है उसके हवाले से भी ISPR ने जारी किया है कि आइंदा अस्करी तनसीबात पर हमला करने वालों से नरमी नहीं बरती जाएगी, और ये मुसल्ला अफवाज मनसूबा साजों उकसाने वालों और सहूलतकारों से मुकम्मल आगाह हैं। यानी फैसिलिटेटर्स को भी देखा जा रहा है, जो इंसाइट करने वाले लोग थे, इंसाइटमेंट टू वायलेंस वाले जो अफराद थे उनको भी देखा जा रहा है। पिछले ओवर द वीकेंड हमने देखा कि कुछ कन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी आई उन्हीं लोगों की जिन्होंने बाकायदा इन फौजी तनसीबात पर हमला किया, और उन्होंने कहा कि जी हमने ये PTI के लीडरशिप के कहने पर किया लेकिन हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं वगैरह वगैरह। लेकिन PTI अपने आप को मुसलसल इस मामले से अलहदा अलग थलग करती हुई नजर आती है और वो कहते हैं कि हमारा इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ चीजें नाजरीन ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, और वो ये हैं कि कुछ PTI के लोग जहां पर देखे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं कि जी GHQ की तरफ चलो, जैसे शहरयार आफरीदी साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, आलिया हमजा साहिबा का बयान इस तरह का ऑन रिकॉर्ड है। वहीं दूसरी तरफ कुछ वो भी लोग हैं जो कि ये भी सुने जा सकते हैं कि वाजे तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में ना लें। जैसे इवन यास्मीन राशिद साहिबा ने भी एक वीडियो में उनको सुना जा सकता है, फरुख हबीब साहब ने कुछ देर पहले ट्वीट किए, उन्होंने यही चीज उसमें कह रही है यास्मीन साहिबा भी कि तमाम लोग हौसले से काम लें और तमाम लोग किसी भी तरह से ला कानूनियत की तरफ ना जाएं। तो फिर भी नाजरीन, क्या इसमें बाइफरकेशन की जा रही है कि किसको अरेस्ट किया जा रहा है? क्या वाकईतन उन्हीं लोगों को सिर्फ अरेस्ट किया जा रहा है जिन्होंने वायलेंस के लिए इंसाइट किया, या फिर अक्रॉस द बोर्ड एक, जिसे कहते हैं ना कि एक ही ब्रश से तमाम लोगों को पेंट करके हर किसी को पकड़ा जा रहा है? ये एक बड़ा जरूरी सवाल है जिसको उठाना होगा। और दूसरी तरफ नाजरीन, ये बात भी करना जरूरी होगी कि जाहिर है जो भी हुआ फौजी तनसीबात पर हमलों के हवाले से वो बहुत बहुत काबिल मजम्मत है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इवन अस्पतालों को, स्कूलों तक को जो है वो निशाना बनाया गया, वहां पर भी हमले किए गए, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मुजस्मे थे उनको नजरे आतिश किया गया, बहुत कुछ हुआ। कोर कमांडर्स, GHQ, हर तरफ हमने इस तरह के मनाजिर, बदतरीन मनाजिर और बदकिस्मत मनाजिर देखे। इसके ऊपर जितनी इसकी मजम्मत हो कम है, लेकिन नाजरीन मजे की बात यह है कि हुकूमत इन चीजों की तो मजम्मत कर रही है और बिल्कुल ठीक कर रही है। कड़े तरीन अल्फाज में ना सिर्फ मजम्मत बल्कि इनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए, लेकिन खुद हुकूमत क्या कर रही है ये थोड़ा सा समझने से हम कासिर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उनके फैसलों के हवाले से अब तो सरापा एहतजाज है बाकायदा तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत यानी PDM की हुकूमत। मौलाना फजलुर रहमान साहब आज इस एहतजाज को लीड कर रहे हैं, उनके जो दस्ते हैं वो बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और वहां पर भी हमने बड़े बदतरीन इस तरह के मनाजिर देखे। जिन तरह के मनाजिर को हम लोग फौजी तनसीबात के हवाले से कंडेम कर रहे थे, उसी तरह के मनाजिर हमने इस आज के इस पूरे शो में भी देखे। मरियम नवाज साहिबा ने भी फिर बाकायदा तौर पर वहां से तकरीर भी की, और उन्होंने भी बड़ी एक गुस्से से भरपूर तकरीर की। उन्होंने इस तक जो कुछ जगहों पे रिपोर्ट हो रहा है, इन अल्फाज तक का इंतखाब उन्होंने किया कि सांप बनकर जो है वो चीफ जस्टिस बैठे हैं। अभी तो नाम नहीं लिया उन्होंने चीफ जस्टिस उन्होंने, लेकिन ये कहा, उनका एग्जैक्ट जुमला ये, अभी तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया ही नहीं था लेकिन उस पर सांप बनकर बैठ गए। तो गोया ये कि ये जो तनकीद है पूरी सुप्रीम कोर्ट पर की जा रही है, जिनके पास वो जो कानून है जिसकी वो बात कर रही है वो चैलेंज हुआ पड़ा है। क्या ये तरीका दुरुस्त है नाजरीन? कौमी असेंबली ने भी आज चलें ये बात, ये है कि ये लीगल वे है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वे है, अगर आपको या हुकूमत को किसी के ऊपर इख्तलाफ है तो। उन्होंने आज जो कौमी असेंबली है वहां पर यह करारदाद मंजूर हुई कि मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ बाकायदा जो रेफरेंस है वो दायर किया जाएगा। ये लीगल तरीका है अगर कोई ग्रीवेंस है, जैसे PTI के भी दौर में जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर एक रेफरेंस दायर हुआ था, वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उसको कंटेस्ट किया जाता है, तो ठीक है ये लीगल तरीका है और हुकूमत को ये जो हक है ये हासिल है। लेकिन दूसरी तरफ नाजरीन, जो आज ये जो मनाजिर देखे, क्या इनको लीगल कहा जा सकता है? क्या इनको कॉन्स्टिट्यूशनल कहा जा सकता है? गेट्स फलांगने की कोशिशें वगैरह वगैरह, फिर 144 मजे की बात है कि शहर में नाफिज है लेकिन उसके बावजूद ये तमाम मनाजिर देखने में आ रहे हैं, और रोकना तो दूर की बात है बल्कि एक तरह से जो सिविल इंतजामिया है वो फैसिलिटेट कर रही थी क्योंकि हुकूमत का एहतजाज है। इसके ऊपर बात करेंगे। टू रॉन्ग्स विल नेवर मेक अ राइट नाजरीन, जहां पर फौजी तनसीबात पे हमले करना गलत है वहीं पर इस तरह के, इस तर्ज के एहतजाज खुद
जो हुकूमत वक्त है वो कर रहे हैं, इसको भी सही नहीं करार दिया जा सकता। और खासतौर पर जिस तरह के मनाजिर आ रहे हैं, 144 अगर मुखालफीन के लिए है तो हुकूमत के लिए क्यों नहीं, बड़ा जरूरी सवाल है, इसके ऊपर भी रुख करेंगे। वैसे तो इसको लीड कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, लेकिन पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, तमाम की भरपूर हिमायत हासिल है इस पूरे पावर शो को जो कि हुकूमत ने जिसका इनेकाद किया है। फौरी तौर पे इन तमाम मामलात पे नाज़रीन अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ और इसमें थोड़ी कोशिश करेंगे कि पार्टिजन एंड नॉन पार्टिजन व्यूज से कुछ कंक्लूसिव बात करने की हमारी कोशिश हो। अब आई हैव टू गो टू अ शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन, फिर उसके बाद फौरी तौर पर वापस आएंगे। एंड टू आर गेस्ट, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, बाकायदा फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। फैसल करीम कुंडी यहाँ स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ फरमाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट वजीर मुमलिकत, तमाम मामलात पे गवर्नमेंट का व्यू रखेंगे, काबीना का व्यू रखेंगे। आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कुंडी साहब। कमल शौजब साहिबा नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टॉलवर्ट और जो मुतलका वुमेन विंग है अपनी पार्टी का, उसकी माशाल्लाह से सरबरा भी हैं। और बहुत खुशी हुई मुझे कमल साहिबा कि आप इस वक्त आज़ाद हैं, और वेलकम आपको, तो पहले बहुत बहुत वार्म वेलकम आपसे। पर्टिनेंट जो आपका PTI का व्यू है, आप बहुत प्रोमिनेंट स्पीकर हैं अपनी जमात से, वो हासिल करेंगे। आरिफ चौधरी साहब नाजरीन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे साथ तमाम मामले पर तजिए तबसरे के साथ मौजूद हैं। बहुत आपको भी खुश आमदीद चौधरी साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू। बट कुंडी साहब, आपसे बात का आगाज़ करना चाहती हूँ। और नाजरीन, मेरी एक बड़ी सही दुरुस्तगी कुंडी साहब ने की कि आज 144 जो नाफिस थी वो उठा ली गई। ऑब्वियसली वो इसीलिए उठा ली गई कुंडी साहब कि आप लोग वहां पर अपना पावर शो कर पाएं, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपने सिर्फ PTI के लिए लगाई थी फिर ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें बिल्कुल आज एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे का एक PDM ने जो है वो पिछले दिनों एक मीटिंग की थी, और उस मीटिंग के बाद जब उन्होंने एक एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से भी रब्ता किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने भी क्योंकि हम हुकूमती इतिहाद में हैं तो हमने कहा कि हम भी शिरकत उसके अंदर करेंगे, और हमने अपने पार्टी के लीडरों के साथ और वर्करों के साथ उसमें शिरकत भी की। उसके अलावा PDM ने जो है वो दरख्वास्त दी थी कि हम एक पुरमन एहतजाजी मुजाहरा करना चाहते हैं, और उसके लिए हमें इजाज़त दी जाए कि हम एक पुरमन एहतजाजी मुजाहरा करें, जिस पर बहुत सी डिलिब्रेशन के बाद वो डेलीगेशन आया कि आप यहाँ पर ना करें, पार्क में कर लें, डी चौक पे कर लें, जो भी। हुकूमत ने हुकूमत से ही इजाज़त मांगी और हुकूमत ने हुकूमत से इंटीरियर मिनिस्टर थे वो आए उन्होंने, और फाइनेंस मिनिस्टर भी आए तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसी चीज़ें, लेकिन देखें चीज़ क्योंकि PDM है, मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी भी उसका जो है उसने इसमें शिरकत की, लेकिन अगर आप पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूँ, हमने कराची से इस्लामाबाद तक एक लॉन्ग मार्च किया था, उसके अलावा जब हम अपोजिशन में थे हमने मुख्तलिफ मार्चेस किए थे, और आपको किसी मार्च में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये नज़र नहीं आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी भी सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाया हो, कोई ऐसी हरकत की हो, मीडिया के साथ की हो। आपको याद होगा कि हमारे लॉन्ग मार्च में आसफा भुट्टो साहिबा को एक ड्रोन लगा था, जी जी बिल्कुल मुझे याद है, ऐसे चैनल का लगा था जिससे उस चैनल के साथ हमारी एक अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन कोई भी किसी में भी जरूरत नहीं थी कि उस DSNG के किसी भी शख्स को हाथ लगाता या कोई जलाओ घराव करता या कोई DSNG को जलाता। हाँ, फॉर टाइम बीइंग पुलिस ने उसको रेस्क्यू करने के लिए ज़रूर उठाया उस शख्स, उसने कहा ऐसा ना हो कि मॉब में कोई ऐसा एक अनफॉर्चुनेट डिसीजन हो जो, और इनिशियली इंक्वायरी भी रेफर डी करनी थी, लेकिन कोई नुकसान हमें नहीं। तो इन पे आपको शक है कि ये नुकसान कर रहे हैं? ये तो इनका तो बहुत पुरअमन वो कहते हैं तरीके से हम निकल रहे थे, बल्कि उनके साथ ऐसे अनासर को जोड़ा गया कुछ मशकूक लोगों की तरफ से, ये PTI का बयानिया है, और खान साहब कहते हैं बारहा कि ये हमने नहीं किया है, उनके साथ जोड़ा गया ऐसे लोगों को जिन्होंने फौजी तंसीबात पे हमले किए हैं जिन्होंने। देखिए दो तीन चीज़ें हैं, माजी में डी चौक पे एक धरना था, यहाँ पर अगर आप देखें धरने में जिस तरीके से वहाँ पर SSP उस वक्त के थे जुनेद जो साहब वाले बंद क्या थे, उनके साथ जो वाकया हुआ, फिर PTV बिल्डिंग देखें 2014-15 वाले, या बाकी अगर आप उसको इवेंट्स को देखें, और उसी के उसमें देखें कि उस वक्त PTV था, आज जो है वो पेशावर का रेडियो स्टेशन था, आज मतलब है कि आप कोर कमांडर हाउस को देखें या मियांवाली एयरबेस के साथ एयरबेस और उसके साथ जो चौक पे जो जहाज लगाया गया था जो कि इबरत का निशान था इंडिया के लिए, फिर आप अगर चकदरा की तरफ जाएं, स्वात की तरफ जाएं, वहाँ पर जो FC का जो वहाँ पे स्कूल था या किला भी था उसको भी जो है वो जो है उनके जो है स्काउट्स का जो उसका उसको मतलब नुकसान दिए गए। देखिए प्रॉब्लम तो सिर्फ ये है कि जब यही कर ये जब करते हैं तो ये चीज़ें होती हैं, बाकी सियासी जमात के साथ क्यों ऐसे मिलिटेंट्स नहीं हुए हैं, आपने नहीं किया,
आपने खुद इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दी कि जब मैं गिरफ्तार हूँ तो ऐसे इलेक्शन तो आएगा। हाँ, ये उन्होंने कहा था कि और फिर, हाँ, फिर देखें फिर भी उन्होंने जो है जब हाई कोर्ट में जब उनकी बेल हुई और बैठे थे तो उन्होंने जब वहाँ पर एक इंटरनेशनल मीडिया से किससे बात कर रहे थे तो उधर उन्होंने कहा कि जी मेरी तो जो है वो एक ही शख्स है इस पूरे उसमें जिसका जो कि उन्होंने आर्मी चीफ का नाम और फिर भी कहा कि अगर फिर भी गिरफ्तारी होगी तो फिर ऐसा चीज होगा। और मेजोरिटी लोग ऐसे गिरफ्तार हुए जिन्होंने कुछ लोगों ने मैंने मीडिया के जरिए देखा कुछ लोगों ने इस चीज को माना भी सिर्फ जैसे कराची में चौकी का मसला था जो वालिद साहब वाले जला रहे थे और बेटा बाप बेटा तो ऐसे इवेंट देखे। लेकिन कराची की लीडरशिप आफताब सिद्दीकी का बयान आया वो कहते हैं उनका हमसे ताल्लुक देखे अच्छा चलो ताल्लुक नहीं है सब कुछ सब चीजें हुई क्या इनकी लीडरशिप की तरफ से उसकी कोई मजम्मत आई? सुप्रीम कोर्ट के जजों की मिनते करने के बावजूद मिनते की उन्होंने कहा यार मेहरबानी करो पीटीआई वालों ने मिनते की सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मिनते की कि जी आप इसको जो है मेहरबानी करें मजम्मत कर लें। उसने कहा नहीं करें उसने करना है उसने कहा नहीं करना चलो कर लेता हूँ उसने कहा मैं कर लेता हूँ लेकिन मैं जब फिर गिरफ्तार हूँ तो रिएक्शन तो आएगा। तो चीजें ऐसे देखें दो दो बातें जैसे हमने देखे हमारा देखें हमारा इस रियासत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी में कोई अच्छा तजर्बा नहीं रहा। ये कुंडी साहब मैं वन लाइनर जस्ट वन लाइनर हमारा नहीं रहा लेकिन कभी भी हमने ये नहीं कहा कि आप जाके रियासत की बिल्डिंगों पे हमले करें। वो इसीलिए तो परेशान है वो कह रहे हैं आपने पहले नहीं कहा लेकिन अब आप उन लोगों के साथ आप हैं और शाना बशाना खड़े हैं। आज मरियम नवाज साहिबा ने सांप बनकर बैठे हो ऐसे कह के मुखातिब किया उन्होंने जुडिशरी के हवाले से। कमल साहिबा ये तमाम मामला तो ऑब्वियसली पूछने वाले हैं गवर्नमेंट से लेकिन आप फरमाइएगा कि कुछ चीजें कुछ बयान तो ऑन रिकॉर्ड है ना जिनसे पीटीआई अपने आप को डिटैच नहीं कर सकती। जैसे आपका माशाल्लाह से इस तरह की कोई चीज हमने नहीं देखी जिस वजह से आप आजाद हैं और बहुत अच्छी बात है लेकिन जैसे शहरयार आफरीदी साहब का बयान है या आलिया हमजा साहिबा का बयान है वो चीजें कुछ ऑन रिकॉर्ड हैं जिनको बुनियाद बनाकर वो कह रहे हैं। और खान साहब ने सबसे बढ़कर ये बात यकीनन कही थी जिस रोज ये बेल वाला मामला चल रहा था गालिबन सैटरडे था या फ्राइडे था जब उनको बेल मिल रही थी उस रोज उन्होंने कहा था कोर्ट में बैठकर कि अगर इन्होंने मेरी बेल्स के बावजूद मुझे जाने नहीं दिया तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और मैं अगला लाए अमल दूंगा। ये जुमे के रोज की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थैंक यू वेरी मच मोना। बहुत सारी बातें इकट्ठी हो गई है मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं। पहले बात तो ये कि जिनको डिटेन किया गया इलीगली डिटेन किया गया घरों से उठाया गया स्पेशली जो हमारी खवातीन जो रहनुमा है और हमारी वर्कर्स हैं और जो हमारी सिर्फ वोटर सपोर्टर्स हैं उनको भी मैं उनकी शदीद मजम्मत करती हूँ। मैं आज़ाद इसलिए हूँ कि मैं इनके हत्थे नहीं चढ़ी मुझे मारा पीटा गया डी चौक पे। मैं शदीद इस वक्त भी जख्म मेरे मौजूद है मैं आपको जरा वीडियोस भेजती हूँ। ये इस्लामाबाद बहुत अफसोस की बात है जो दफा 144 लगा के जिसने जानवरों की तरह औरतों को बच्चों को बुजुर्गों को मारा पीटा है आज इन्होंने उसको जो है वो उनकी ट्वीट्स आई हुई है कि दफा 144 लगी हुई लेकिन अभी तक सब कुछ पुरअमन है। खुदा का वास्ता है कुंडी साहब आप लोग सियासत सियासत करते रहे और ये कौन सी नाम की डेमोक्रेटिक जो इन्होंने पार्टी बनाई हुई है पीडीएम अलग है और ये सारे अलग है कि पीडीएम की दरखास्त जो है वो अपने आप को ही जाके दे देते हैं हुकूमत में सारे बैठे हैं वजारतों में खुद बैठे हुए हैं इंटीरियर मिनिस्टर मरियम नवाज के आगे चूं भी कर सकता है मुझे जरा बताएं आप। और अब इधर से आगे आ जाए सारे जो भी इन्होंने जो तमीज बांधी मैं तो पहले ही इसको रिजेक्ट करती हूँ सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है आप मुझे बताएं कौन सी इंक्वायरी हुई है कोई हुई है इंक्वायरी इंक्वायरी के बगैर आपने लोगों के ऊपर इल्जाम आप मुझे ये बताएं फौजी इंस्टॉलेशन को न्यूक्लियर बॉम्ब के उस पर चले गए थे मुझे बताएं क्या कैंट में प्रोटेस्ट करना मना है मुझे बताएं क्या GHQ जो रावलपिंडी में जिस सड़क पे मौजूद है उस सड़क पे खड़े होना मना है वो आम पब्लिक की सड़क है उस सड़क के बाहर आम खवातीन खड़ी है उनकी तस्वीरें कल से चलाई जा रही है मैं इस पर शदीद प्रोटेस्ट करती हूँ ISPR को मुखातिब करके कहती हूँ किस तरह आप बाहर खड़ी हुई आप खवातीन जिनके हाथ में कुछ नहीं है वो वहां पूरा मन खड़ी हुई आपने उनकी तस्वीरें चला के और उनको जो है वो क्रिमिनल डिक्लेयर किया बगैर इंक्वायरी के आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगाएंगे जज ज्यूरी सब कुछ आप खुद है मुझे आप बताएं मोना आलम आप वहाँ खड़ी हुई हो आपकी वीडियो तस्वीर आ जाएगी कि वहाँ खड़ी थी तो वहाँ खड़ी ये बिल्कुल सही बात है जो लोग पुरअमन तौर पर खड़े हुए उनको आप उसमें नहीं घसीट सकते। आप मुझे बताएं मुझे एक मिनट बात करने दो कोर कमांडर हाउस के बाहर आज तक तो वो कोर कमांडर हाउस था आज तक तो वो जिना हाउस था नहीं जरा उसकी निकाले ना आप जिना हाउस का नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं और मुझे ये बताएं कि कोर कमांडर इतने हेल्पलेस कैसे हुए मेरा बाप फौजी था मुझे पता है कि फ्लैग स्टाफ हाउस में कोर कमांडर हाउस में जाने के लिए आपको कितनी रुकावटों से गुजरना पड़ता है और अब तो इनका इंटीरियर मिनिस्टर खुद कह रहा है हाँ जी हमने खुद ही सारी खोल दिया था ताकि हम इनको एक्सपोज कर सके। फॉर गॉड सेक आप लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में मैं नाम ले देती हूँ वो जो बलोचिस्तान से आपने इंडिपेंडेंट ज्वाइन करवाए हुए हैं असलम जो हमारा इंडिपेंडेंट
असलम बुतानी ने तो वहां पे ऑन रिकॉर्ड खड़े होकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहा छोड़ें जी टीटीपी को, आप पहले जाएं और इस पीटीआई को क्रश करें। तो प्लीज ये प्लानिंग आज की नहीं हो रही है, ये प्लानिंग काफी दिनों से हो रही है। हाँ। तो आप मुझे बताएं, एक चीज बताएं, इतने ये डेमोक्रेट हैं, इतने बड़े ये सारे डेमोक्रेसी के चैंपियन हैं, क्यों इन्होंने इंटरनेट बंद किया? और सबसे पहला सवाल मेरा ये कि इमरान खान को पैरामिलिट्री फोर्सेस घसीटती हुई क्यों लेके गए, किसके ऑर्डर? उसी की वजह से बदमजगी करे ना, एक सेकेंड, बदमजगी नहीं हुई है, रूट कॉज पे चलते हैं, लेट स्टार्ट फ्रॉम देयर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रीमिसेस में जाके, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कंडेम किया, रिजेक्ट किया, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया, सबसे पहला इलीगल काम वहां हुआ, किसके ऑर्डर पे ये सारा कुछ हुआ है, कैसे आप उनको घसीटते हुए लेके गए? बहुत गलत था, हाथ डाले ना हाथ, यही जाए जरा रेंजल मौलाना फजलुर रहमान के सिर पे मारे जोर का एक डंडा और गर्दन से उसको घसीटते हुए इस तरह से 100-150 बंदे लेके थे। मैं देखती हूँ आज आप एक और चीज, मैं भी रेस्क्यू वीडियो चलाएं, मौलाना ने तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कत्ल की धमकी दे दी है। वो कह रहे हैं अदलिया इतना बड़ा एहतराम काबिले एहतराम इदारा है कि 4-5 जजेस अगर इनके नाम पे खत्म भी कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इन बातों की कोई जाहिर है, ये बात सही है कि अगर ये एक लाइट में कह रहे हैं कि फौजी तंसीबात पे हमले गलत हैं। मुझे ये बताइए, आलिया हमजा साहिबा अगर वहाँ गिरजा चौक पे बैठी थी या कोर कमांडर हाउस के बाहर बैठी थी, हाँ, तो क्या कोर कमांडर हाउस के बाहर खड़े होना कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक एंगल आपने बताया है कि आप कह रही है कि वो सिर्फ गए थे वहाँ पे। आप मुझे बताएं पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अगर खान साहब को उठाया, पहले बताएं किसके कहने पे सही है और क्यों उठाया? नहीं, ये तो ये सही बात है, कमल साहब प्रॉब्लम इधर ही रुके, इधर ही रुके। आईएसपीआर ने कैसे बयान दिया कि ये सब कुछ कानूनी हुआ है? क्या काम था उनका ये बयान देने का? अगर ये इंटीरियर मिनिस्ट्री तारीफ थी, इंटीरियर मिनिस्ट्री जवाब देती, आईएसपीआर क्यों छलांग मारते हैं हर बात में? हमारे लिए काबिले एहतराम वो यही वाली बात है कमल साहब, गवर्नमेंट कहते हैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट और जितना है वो भी ऐसी छलांगे मारते हैं, ये उनका भी आपके लिए है ना, ये तो ग्रीवेंस। हर पाकिस्तानी का हक है कि उसको फ्री एंड फेयर ट्रायल का इजाजत। बहुत सही बात है, जी जी जी, आपने उठाया। अच्छा, आप इमरान खान पे आप इल्जाम लगा रही हैं, इमरान खान को 3 दिन से डिटेंशन में रखा, ना उनके पास कोई नेट था, ना उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन, छुटते ही उनको कह रहे हैं आप जी प्रोटेस्ट करें, अगले बंदे को पता ही कुछ नहीं हुआ क्या, वो किस बात पे कंडेम कर रहे हैं? आप कर रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं, जब उन्हें मिली है सारी इन्फॉर्मेशन तो वो वापस। लेकिन ये बात सही है कमल साहिबा, आप कह रही हैं कि वो शायद गए होंगे जीएचक्यू पे। एक मिनट, मुझे अब क्लेरिफाई करने थे ना, मुझे इनका वर्जन नहीं लेना है, मुझे आपको वो बताना है जो हकाइक है। इमरान खान ने अपने वकला को जब वो वहां से सुप्रीम कोर्ट से वापस आए तो जब उन्होंने उन्हें सारे हालात बताने शुरू किए, 3 दिन बाद एक बंदे को आप पेश करें तो वो हैरान होकर कह रहे हैं कि यार मुझे पहले बताते। अच्छा, उन्हें ये बात सही, उन्हें वो कह रहे थे मुझे नहीं पता था। आप एक बंदे को आपने इलीगल डिटेंशन में रखा हुआ है, अब्डक्शन की है उसकी। लेकिन अच्छा कमल साहब, प्लीज अलाउ मी, एक 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 सवाल की इजाजत दें। शीरी मजारी साहिबा ने क्या ये नहीं कहा था कि जब शेरी रहमान साहिबा ने क्या ये बात नहीं की थी कि जब खान साहब हिरासत में थे तब भी वो रास्ते में थे, नैब की हिरासत में भी खान साहब रास्ते में थे? शेरी रहमान साहिबा इज ऑन रिकॉर्ड फॉर हैविंग सेड दिस। उन्होंने बड़ा अच्छा की ऑन रिकॉर्ड किया है, खान साहब ने भी ऑन रिकॉर्ड किया है, जो मुसर्रत चीमा के साथ जो बात करने की इन्होंने झूठी चलाई जी, वीडियो लीक होगी, ऑडियो लीक होगी, वो नैब जिस दिन उठा के लेके गए, उन्होंने लैंडलाइन पे उनकी वकील के लिए उनसे बात कराई थी और उस वक्त वो वहां पे 9 तारीख की रात को उनसे वो बात हुई है लास्ट, उसके बाद ना उनके पास कोई फोन था, ना उनके पास कोई लैंडलाइन थी, ना हमें पता अच्छा, था वो किधर रखे गए, जबकि उल्टा हुकूमत का तो ये मजीद इल्जाम है आप पे कि कोई सहूलतकारी भी की गई है नैब की कस्टडी में खान साहब के लिए। इस वक्त हुकूमत भी यही है, अपोजिशन भी यही है, पार्टी भी यही है। मैं ये आगे ले जाती हूँ ये वाली बात, आरिफ साहब जरा नॉन पार्टिसन आपका व्यू आ जाए। आखिरी बात सुने, आपने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा रिपरकशन, उन्होंने जिस दिन उनको फिर डिटेन किया जा रहा था, उनके ऊपर अगवा किया जा रहा था, हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल देना हमारा हक है। आज मुझे बताएं आप, ठीक है, आप कहती हैं राइट, कमल साहब काफी टाइम चुके हो गए, मैं आगे बढ़ती हूँ, दूसरों को भी मौका आ जाए सबका। एक मिनट, सारों का अटैक तो एक ही तरफ आ रहा है ना, मुझे ये बताएं यहाँ पे कमेंट पे अटैक नहीं होता, यहाँ पे एक ही बंदे मेरा तो काम ही है दोनों पे अटैक करना, लेकिन फजलुर रहमान और अगर मरियम नवाज का दिल करता ना सुप्रीम कोर्ट के हाथे के अंदर जाके प्रोटेस्ट करने का तो ये हुकूमत उनको फैसिलिटेट करती, ठीक है, तो खुद ही सब कुछ समझ कर चल जाए। आरिफ साहब, आज कहने मरियम नवाज ने धमकियां दी, आरिफ साहब चीफ जस्टिस के घर, मैं मुझे पूछने तो देना कमल साहब, उनसे पूछने दे आगे, कत्ल की धमकियां दी है, इस पे जवाब आना चाहिए। जी जी आरिफ साहब, क्या आपको भी लगता है कि ये तमाम चीजें कत्ल की धमकियों के एवज हैं, या फिर आपको लगता है कि ये वाकईतन जो ये गवर्नमेंट का एलिगेशन है ये सही है, जैसे कि वो कहते हैं कि भाई बड़े कोई
सीक्रेट हेल्प हो रही है, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे अनासर हैं विद इन द जुडिशरी जो कि खान साहब को किसी प्रॉब्लम में फंसने ही नहीं देते और उनको गलत तौर पर किसी भी मसले से जब भी वो जाते हैं तो उनके ऊपर कोई फेयर इंक्वायरी हो ही नहीं सकती है क्योंकि कुछ लोग उनको फैसिलिटेट करते हैं हर दफा। मोना बहुत शुक्रिया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान से इंतकाम लिया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से जो 3 दफा वजीर आजम रहने के बाद उन्हें हटाया गया उसका इंतकाम इस अंदाज में दे रहे हैं कि कुछ भी ना बचे बाकी। यानी जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त लोगों के साथ सूरत हाल है, मुझे सबसे बड़ा जो कंसर्न मेरा है कि आज पाकिस्तान बगैर आइन के चल रहा है। आज पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज नहीं है और जिस अंदाज में ये सारा किया गया, मैं समझता हूं कि एक सुप्रीम कोर्ट है जिन्होंने कम अज कम ये भरम रखा कि ये मुल्क जो है इसमें कोई लोगों के फंडामेंटल राइट्स भी हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया है कि जी खान साहब को गुड टू सी यू कहा, इन लोगों को खुदा अब नहीं माफ करेगा। ख्वाजा साद रफीक को इसने कहा था कि ख्वाजा साहब गुड टू सी यू, इसके अलावा कितने लोगों को उन्होंने नॉर्मल एक उनका तरीकेकार है, ग्रीटिंग का तरीका आप कहते हैं, ग्रीटिंग का ऐसा नहीं है कि खान साहब को देख के एक उसका पहलू एक और भी मैं समझता हूँ निकलता है कि जिस हालत में खान साहब थे चांसेस तो ये थे कि खान साहब को कत्ल कर दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि मैं इसे इस हवाले से देखता हूँ। साहब एक मिनट, आपने क्या बात बोली कि खान साहब को ये चांसेस से कत्ल कर दिया जाए, ये तो खान साहब का अपना इल्जाम है, क्या आप उनके इल्जाम की तायद कर रहे हैं? मैं आपको एक अर्ज करूँ, ये बातें सबको मालूम है कि जिस तरह की सिचुएशन एक दफा नहीं कई दफा क्रिएट की गई और उसमें जो परसेप्शन है वो यही था। मैं इसकी इल्जाम की बात नहीं करता, इस हालत में अगर चीफ जस्टिस साहब उन्हें देखते हैं कि जिस आप देखे गैंगस्टर अंदाज में उन्हें पकड़ा गया, उनके पास कोई कानूनी इख्तियार नहीं था जो जिन्होंने गिरफ्तार किया, इसलिए कि बुनियादी तौर पर जिनका मुकदमा था वो 1 मई को साइन कर रहे हैं, 1 मई को छुट्टी थी। और उसके अलावा यह है कि ये 4 दफा उसके बाद उस तारीख के बाद खान साहब पेश हुए हैं, कहीं उसका जिक्र नहीं किया गया। और उस वक्त भी जिन्होंने वारंट निकाले थे उन्हें कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं था, पुलिस की मदद दी जा सकती थी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बाद अच्छा एक सेकंड, अगर ऐसे हालत में मोना, बल्कि आईजी पुलिस तो कह रहे थे कि उनको पता ही नहीं था कि खान साहब गिरफ्तार हो गए, वो तो कह रहे थे मुझे टीवी से पता चला है। कितनी एक और बात देखे सितम जरीफी कि कितनी देर लगी खान साहब को वहां पहुंचाने में, और यूं लग रहा था सब लोगों को कि कहां ये हुक्म था कि भी 1 घंटे के अंदर जी, गया और कहां ये है कि 1 घंटा 1.5 और गुजर गया और फासला भी कोई नहीं है। मुझे एक जुमला फरमा दें आरिफ साहब, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, ये बहुत जरूरी बात है कि अगली समाअत में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप होने वाला है। आज मौजूद चीफ जस्टिस ने कुछ रिमार्क्स तो दिए, उन्होंने कहा था आईन 90 दिन में इलेक्शन का कहता है, आपका ख्याल है हम भूल गए। फिर वो कहते हैं 14 मई का हुक्म था तो 14 मई पर ही अमल होना था, तो यानी 14 मई से तो हम आगे आ गए ना, आज तो 15 मई है, तो फिर अगली समाअत में क्या होने जा रहा है, कोई सख्त नतायज हो सकते हैं गवर्नमेंट के या नहीं? मैं आपको एक करूं, कोशिश इनकी जो आज इन्होंने सब कुछ किया है ना वो इसलिए किया है कि उनको गालियां दे के धमका के बेइज्जत करके तासर ये दिया जाए कि जनाब आपको छोड़ेंगे नहीं हम। और आज ये कोई इमरान खान साहब वाले मामले पे गुस्सा नहीं था। अच्छा, असल गुस्सा आप कहते हैं इस बात पे था, इलेक्शन वाले मामले पे आज आए थे एप्रीहेंड करने, और हमारे ये दोस्त अहबाब जो बैठे हुए हैं इन्होंने बैठ के सामने चीफ जस्टिस को इस तरह के जिस तरह खुदा ना खास्ता किसी मामूली आम आदमी को कहा जाता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने खान को आप यानी रिलीज कैसे कर दिया, ये ऑर्डर कैसे पास कर दिया। मैं हैरान हूँ ये इसके बाद देखे बात सुने, मेरा किसी पार्टी से तलक नहीं, ये बात ये है कि ये सब कुछ जो कर रहे हैं इसके बाद सिर्फ यही कहा जा सकता है कि खुदा के लिए कुछ थोड़ा सा रहने दो। सही कहते ना, रहने दे में कोई बूंद लहू की, शायद तेरा नाखून कभी मोहताज ही ना हो, खुदा के लिए इस मुल्क का कुछ रहने दो। वरना ये आज पीटीआई को तो आप खत्म करने के लिए आर्मी एक्ट भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, सारा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अंजाम देखिए हमारा पाकिस्तान को बचाने का ये आपका है। ख्याल है मुल्क में कुछ तो रहने दे। ठीक है नाजरीन, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आते हैं, बड़ी जरूरी बातें हैं, मच नीडेड मच अवेटेड फैसल साहब का इन तमाम बातों पे व्यू पॉइंट और उनका रिएक्शन जरूरी है। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। फैसल साहब, बहुत सारी बातें हैं जिनका आपको जवाब देना है, इस मुल्क में कुछ तो रहने दें, और ये इंक्वायरी कब हुई फौजी तनसीबात पे हमलों की, आपने इंक्वायरी से पहले ही पकड़ थकड़ शुरू कर दी है।
कमल साहिबा ने इस हद तक कहा कि वहां पर जाकर एहतजाज करने में तो कोई कबाहत नहीं है ना, अंदर जाके तोड़ फोड़ करने वाले लोग हमारे नहीं थे। देखिए, अब तो ये कहेंगे ना कि हमारे नहीं थे। दूसरी बात है कि कमल साहिबा को मेरे ख्याल में इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनके जो एक मायनाज वकील हैं जो कि इनके इनको डिफेंड कर रहे हैं, उन्हीं की स्टेटमेंट थी कि इमरान खान साहब जब अरेस्ट थे उनके पास मोबाइल की सहूलत थी और वो रबते में थे। तो मेरे ख्याल में जब वो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वकीलों के पास ही होती है, और बाबर वान साहब की स्टेटमेंट है अगर वो चेक कर लें, और अभी भी उनको चेक कर लें, उनकी स्टेटमेंट मैंने टीवी पे देखी थी कि ही वॉज इन टच विद हिज ओन पीपल, तो ये नहीं कह सकते कि आप उनके पास चीज़ें थी। आरिफ चौधरी साहब ने बड़ी बड़ी अच्छी बातें भी की और कमल साहिबा ने भी की। आरिफ चौधरी साहब उस वक्त कानून और आइन किधर था जब हमारे लोगों को भी हाई कोर्ट के हाथों से उसके एप्रन से एयरपोर्ट जो है एयरपोर्ट के एप्रन से उठा लिया जाता था। रात को 12 बजे ईद की रात को इन्हीं की हुकूमत ने जेल खोली। आज खवातीन के हकूक की बड़ी बात करती है ना, फरियाल तालपुर साहब भी खातून थी, मर्द नहीं थी, बहुत बदकिस्मत। ठीक है, रात को 12 बजे इनकी ख्वाहिश के मुताबिक जेल खोली गई, और रात 12 बजे जब चांद रात थी बल्कि ईद की छुट्टियां हो चुकी थी और आपने उनको शिफ्ट करा। एमएस ने कहा कि नहीं हो सकता, एमएस को उस वक्त सस्पेंड किया, छुट्टी के दिन नए एमएस को अपॉइंट किया और उनको किया। तो उस वक्त भी ये खवातीन के हकूक के लिए आवाज़ उठा लेते, और फिर आरिफ चौधरी साहब भी इसी तरीके से अगर आवाज़ उठाते, शायद उन्हें उठाई हो, मैंने नहीं देखी हो, मुझे उम्मीद है कि इन्होंने ये काम किया होगा क्योंकि एक बड़े अच्छे कानूनदान हैं, इन्होंने उस वक्त भी ये बात की होगी। हम हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो है वो हमेशा ये की है कि नहीं होनी चाहिए, और हम हमेशा कहते थे। तो आप उनको बैन क्यों कर रहे हैं इमरान खान को? इनके दौर में भी जब इनकी हुकूमत थी हम ये कह रहे थे खुशियां और शामियाने न बजाएं, मिठाई तकसीम न करें। ये लोग आते थे प्रेस में, कहते थे कि अगले हफ्ते नैब ऑफिस से मैं अगले हफ्ते ये है, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। यही आपने कहा अपना अपने किधर गया अफरीदी साहब, शहरयार अफरीदी, अल्लाह ताला के नाम के नीचे खड़ा हूँ, जान अल्लाह को देनी है। मैंने वीडियो देखे कि हीरोइन की स्मगलिंग की है इसने, आज तक वो वीडियो नजर नहीं आई। मतलब हम कह रहे थे न करें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये पॉलिटिकलाइजेशन पॉलिटिकल उसके लिए। आज ये कह रहे हैं ये उधर फ्रूट और सब्जी लेने गए थे कोर कमांडर घर के बाहर, अब एहतजाज करने गए थे ना, एहतजाज कर बाहर रह के एहतजाज कर सकते हैं, एहतजाज कर रहे हैं अपने काम की। अब कहते हैं ये कह रहे हैं कि जी जुडिशियल जो है इंक्वायरी हो जाए, जुडिशियल इंक्वायरी मुझे तो खतरा है कि सुबह ऐसे ना कि एक प्रेस रिलीज आ जाए कि सारे माफ है, हमने तो जुडिशियल इंक्वायरी कर भी ली है, हमने रात को कर ली। वो कहते हैं आप लोगों ने भी यही किया है, आपने भी बस सुबह उठे आपने कहा चलो सबको फड़ो। नहीं, हमने ऐसे देखे, हमने ये देखा, देखें अब चीजें देखें, फॉरेंसिक है, तस्वीरें, मेरी तस्वीर जब आएगी मुझे कोई शायद नहीं पहचान होगा, तो नादर में हमारा एक सिस्टम है जिसमें तस्वीर की फॉरेंसिक होती है, उससे जी जी आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसकी फोटो है। हाँ। उसी वजह उससे चीज होती है। अब अच्छा चलो ये सब कुछ होगी, आपने ये सब किया है क्या? नहीं, चल रहे हैं उनकी मतलब है कि वो जो अच्छा उसके बाद गिरफ्तार होकर देखें सब कुछ हो गया। बताएं कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने की और कौन सी इन्होंने कहा कि ये सब कुछ गलत हुआ है, पिशावर का गलत हुआ है, आपने ये जो मुआवली में गलत हुआ है, ये कोर कमांडर घर का गलत हुआ है, फला चीज गलत हुई है, तोड़फोड़ गलत हुई है, मतलब कोई इन्होंने कंडेम किया नहीं? खान साहब ने तो किया है कंडेम, लेकिन बाकी तो सारे अंदर है ना, कौन करेगा? आप मुझे बताएं, एक पाकिस्तान वाले थे ना, मदीना की रियासत वाले थे ना, खुदा ना खास्ता आप पे या मुझ पे या कभी आरिफ चौधरी साहब पे कोई ऐसा केस हो जाए, आपको भी वो कह रहे हैं लेट आ गए, लेट इसलिए थे कि मर्सिडीज गाड़ी का बंदोबस्त हो रहा था, उन्होंने कहा कि मर्सिडीज गाड़ी में लाया जाए, जजों के रस्से से लाया जाए। ये किसने की थी वैसे, आपस की बात है, ख्वाहिशात किसकी थी, मर्सिडीज गाड़ी किसने? आपने मुझे तो आपस में बैठे हैं, मुझे तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो वो मैं भी वो करता हूँ ना, वो हीर रांझ और शशि पुनू की गाने हम सुनते थे। हाँ। महबूब फलां से ये कह रहा था कि आप ऐसे कर रहे थे, तो वो मुझे चीजें याद आ रही थी। किस बात से? मतलब कि आप मेहरबानी सुना नहीं, आरिफ साहब कहते हैं वो ग्रीट ही इस तरह से करते हैं, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं उस वो उस पे नहीं, आप अपनी ना एक पॉलिटिकल लेंस से उसको देख रहे हैं। मैं तो शायराना अंदाज से देखो, हमारे इलाकों में जो है ना 20 लोगों को ऐसे उन्होंने ग्रीट किया कम अज कम। ठीक है, उसके बाद आप कहें गुड लक और दूसरी तरफ कहा है कि जी आप तो कुछ नहीं करेंगे, गपशप करेंगे, लिस्ट है ये। मैं तो आज भी कहता हूँ कि जो इसके मेहमान थे, हम हुकूमत के मेहमान तो नहीं थे ना, नहीं किसी और के मेहमान थे, उनको चीवेसी साहब ने रखा। मैं समझता हूँ कि बिल भी चीवेसी साहब को भेजना चाहिए कि आपके मेहमान का इतना खर्चा आ गया और ये आप पे करें, आपके मेहमान थे। और पहली दफा शायद तारीख में हो, मैं तो बड़े एक नालायक कानून का स्टूडेंट हूँ, कि किसी शख्स को, किसी मुलजिम को रिमांड से उठाकर पेश किया गया हो और फिर उसकी बेल भी नहीं हुई हो, बेल भी ना हुई और वो कहते हैं इलीगल उठाया था ना, अभी वो बता रहे हैं उन्होंने पहले इलीगल करार दिया अरेस्ट को, फिर उसके बाद उनको पेश किया गया। काश ये कानून जो है ये जुडिशरी हमारे लिए भी जाती, जब हमारे साथ जो सलूक नहीं, तो अब अगर आपके साथ नहीं हुआ तो आप कह रहे हैं अगले को भी फिर सुन दो। मैं ये नहीं कर रहा हूं, अब मतलब आप कहें कि जी दो हफ्ते के लिए वो एक मुहावरा है ना कि आपको 100 खून माफ, जो करना करो, कोई तुम्हें याद नहीं लगा सकता,
ये चीजें तो आप कराची में एक लीडर था पार्टी का, एमकेएम का, उसको क्यों आपने बैन किया था? अच्छा, अब आप मुझे बताएं ना, मेरा तो वन लाइनर है कि बस जो है वो आशिकी जीत गई और कानून हार गया, मैं तो ये कह सकता हूं रिपोर्ट में। कमल साहिबा और आरिफ साहब की तरफ क्विकली, कमल साहिबा टू यू फर्स्ट, इसका जवाब फरमा दें। बिल्कुल एक अलग ही किस्म का तासुर मिल रहा है और वो कहते हैं कि ये तमाम चीजें फिर बिल्स भी वहीं पर चले जाने थे। ठीक है, अच्छा कुंडी साहब ने एक चीज तो इकरार कर ली है कि जो खवातीन को उठाया गया है वो सरयाल तालपुर साहिबा के बदले में उठाया जा रहा है या मरियम नवाज, कोई बात नहीं है, तो बदले की सियासत, गलत काम किया, जब गलत काम खातून करेगी उसको उठाया जाएगा। मुझे अब बात करने दें, मेरा मतलब गलत ले रही है, अपना मतलब मैं आप बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगी, मुझे जवाब देने दें, क्योंकि रात के 12 बजे जो उनका इलीगल अगर अरेस्ट हुआ था, वैसे वो बेल पे थी और उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, उसके बदले में आज जितनी भी ये पकड़ धक्कड़ हो रही है ये सारी बदले की कार्रवाई है और जलन की कार्रवाई है जो ये बता रहे हैं। इमरान खान साहब को अगर जुडिशरी की तरफ से रिलीफ मिलता है तो इनको इसलिए तकलीफ हो रही है या जलन हो रही है क्योंकि इनको नहीं मिलता। अच्छा। था और अब ये टारगेट, और मैं इनको आज मेरी तरफ से अफसोस कबूल कर लें, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि आइन की वफात के साथ साथ भुट्टो साहब की भी असली वफात हो गई है और ज़िया आइडियोलॉजी जो है वो चल पड़ी आज पीडीएम में का जो स्टेज था जिसमें धावा बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट फजलुर रहमान की तरफ से, उस स्टेज को आपकी सारी जमात ने शेयर किया, माशाल्लाह बहुत मुबारक हो आपको इस सारी कारनामे पे। और 50वीं जो सालगिरह के नाम पे पैसा खर्च किया गया ना आइन की, वो बेसिकली उस दिन 50वीं बरसी बन गई क्योंकि आप लोगों ने बेसिकली आइन मुअत्तल करके और आज सुप्रीम कोर्ट पे प्रॉपर धावा बोल दिया है। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रेड जोन में जहां पे कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती, और इस वक्त 245 यानी फौज भी तलब की गई है और 144 कंडीशन कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं कि हमने मुअत्तल किया हुआ था, हालांकि आज इस्लामाबाद हाई वो जो वैसे बड़ी एक जरूरी बात थी कुंडी साहब से पूछना रह गई, मैं पूछूंगी आगे अगर मुझे वक्त ने इजाजत दी। गुंडा पुलिस आज सारा दिन ट्वीट करती रही कि दफा 144 लगी है, तो आप इस तरह करें, हाँ। जो आपके वजीर आजम है वो गाना बहुत अच्छा गाते हैं, उनको बुला के ना एक भंगड़ा पार्टी हो जाए वहाँ पे रेड जोन में, कितना जबरदस्त काम हुआ, आइन भी खत्म, सुप्रीम कोर्ट पे भी आपने दावा बोल दिया। दूसरी बात, इमरान खान आज की नहीं, वो तो बिलावल साहब बंगला अच्छा डाल लेंगे म्यूजिक, नहीं वो जो घूंघट पहना होता है इमरान खान ने काला, वो जो काले बकरी का चमड़ा पहना होता है दम दरूद वाला, वो घूंघट की भी जो है रुनुमाई वहीं पे कर रही है, वो चादर होती है और घूंघट पहना होता है, काला डब्बा काली टोकरी पहनी होती है ना, वो घूंघट उसको उतार लेंगे। और आपकी जो फर्स्ट लेडी साहब का थी ना, जिन्होंने अलकादर ट्रस्ट से पैसे खाए हैं, जिन्होंने करप्शन की है, जिन्होंने डायमंड खाए हैं, उनका भी हिसाब किताब होगा, फिक्र न करें। आपकी आपकी जो है ना वो जो पीरनी साहब है ना, पीरनी साहब जिन्होंने ऑटो लीक आई हुई है कि फला डायमंड चाहिए, ऐसे नहीं करें, ऐसे थोड़ा जाती हो जाता है, गलत गलत बात करेंगे तो वो जो डायमंड खाए हैं ना, आरिफ साहब आजादी हो जाता है दोनों पीस के पास नहीं है क्या? आरिफ साहब आपकी जो फर्स्ट लेडी है वो भी आएगी अपने हिसाब से, आरिफ साहब आरिफ साहब कानून आप इस हद तक आगे ले जाए, आरिफ साहब वो शदी उसके दो इदारे, मैं आपको एक कर्ज करूं किसी का भी कसूर हो, लेकिन आज पाकिस्तान में हमला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर हुआ, इससे पहले हमला कोर कमांडर्स पे हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे नजदीक ये दोनों हमले जो है ये रियासत पर हमले हैं, इनको एक ही तरह कंडेम किया जाना चाहिए, क्योंकि इन हमलों के नतीजे में आज मुझे वाकई रियासत अपनी जो है वो बहुत कमजोर नजर आई है और उसे खुदा न खास्ता दुश्मन जो है फेल स्टेट कह सकते हैं। आज बल्कि चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि मुल्क में पोलराइजेशन बहुत खतरनाक हद तक हो चुकी है, और फिर उन्होंने कहा है कि मुजाकरात करें बैठ के। मोदा देखे इसके बाद जो मर्जी ये करे, फोरेंसिक करवाए, किसको सजा दे, जो मर्जी करे, हाँ। लेकिन एक बात जरा सिर्फ कानूनी जरा ध्यान में रखे कि बात तो सिर्फ इलेक्शन की है, हाँ। उस इलेक्शन से भागने के लिए आप इस हद तक चले गए और उसको कोई गौर नहीं कर रहा कि भाई इलेक्शन कराओ और जान छोड़ो, इस पाकिस्तान को बचाओ, ये आप उन पे पड़ गए हैं, यानी कि जी कोर कमांडर के घर पे हमला, फला हमला, ये सारे के सारे पाकिस्तान पर हमले हैं, लेकिन क्यों हो रहे हैं, इस वजह से हो रहे हैं कि इलेक्शन से फरार इख्तियार किया जा रहा है। ये बात सही है, किसी भी इदारे पर हमला हो उसको उसी तरह से देखा जाएगा, ये तमाम इदारे रियासत के सुतून है। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली नाजरीन वक्त इतना ही था, बट थैंक यू टू द लेडी एंड बोथ द जेंटलमैन, आपके देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।